डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम। और इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर अंडर इक्विलिब्रियम, जिसमें कि आगे चल करके, आज तो नहीं लेकिन आगे चल करके हम लोग इसी में पढ़ते हैं ट्रस। ये ट्रस का भी कॉन्सेप्ट जो है जस्ट लाइक ट्रस्ट है, ठीक ना। और टाइप्स ऑफ बीम, सपोर्ट, रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कपल सिस्टम लेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम क्या है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम क्या है, देखिए हमने तो एक चीज़ आपको बताए हैं बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, कि यदि नंबर ऑफ फोर्स काम कर रहा हो, मान लीजिए ये 2P, ये 3P, तो अब इस नंबर ऑफ फोर्स सिस्टम के लिए हम एक इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता था, स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स होता था। और रिजल्टेंट का एंगल भी जो आप निकालते थे, टेन अल्फा या टेन थीटा जो भी आप लिख लें, तो सम ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स अपॉन सम ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो है डिवीजन होता था। अब देखिए यहाँ पर ये रिजल्टेंट फोर्स होता था, अब बात आ गई है किसकी, इक्विवेलेंट फोर्स की। इसी को कोप्लेनर फोर्स में जब कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स हो, और वो सारे फोर्स जो पास तो हो ही रहा है सिंगल पॉइंट से, कोप्लेनर है, लेकिन साथ में मोमेंट भी आप ले रहे हैं रिजल्टेंट का, ठीक है। दैट मीन्स द फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द मोमेंट इज द सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट। दैट मीन्स कि जिस पॉइंट के अबाउट या जिस पॉइंट के को रिलेशन में आप सारे फोर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, वहीं से आप मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कि वह जो है इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। मतलब कोई फोर्स, फिर से समझ लीजिए, इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम जो है, तभी आप बोलेंगे इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, या मैं बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बना होगा, पहला तो एक सिंगल फोर्स आर पासिंग थ्रू दी, सिंगल फोर्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, ठीक ना। और सिंगल फोर्स कौन सा होगा, आर, मतलब क्या, रिजल्टेंट फोर्स। और उसके बाद जो है क्या होगा, सिंगल मोमेंट, ठीक ना, उसी पॉइंट के अबाउट आप निकालेंगे तो वह क्या होगा कि इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम। और इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम लगता कहां पर है, तो यहां पर जितना भी बीम होता है, ठीक ना, घरों में जो बीम लगते हैं उस पे यूज होता है, और ट्रस में यूज होता है, ये दो जगह सबसे ज्यादा यूज होता है। अब इसके अलावा भी जहां भी जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मूवेबिलिटी। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये थ्योरी ऑफ मशीन जो एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल का, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन आप सिंपल सा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, मूवेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए कि ये जो है आपका कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये कैसे कैसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऊपर नीचे, ठीक ना, और रोटेशनल भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप इसको फिक्स कर दिए, अब ये कैसे मूव करेगा, मूव कर ही नहीं सकता है। और यदि आप इधर से भी फिक्स कर दिए तो और मूव नहीं कर सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जैसे ये है आपका, अब ये जैसे हम बता रहे थे कि ये तो इंडिपेंडेंट है, कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन इसी को आप ऐसे कर दे, यहाँ पर हिंज लगा दे, तो ये क्या हो सकता है, आगे नहीं जा सकता है, या आगे पीछे नहीं जा सकता है, लेकिन ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है,
जा सकता है कि नहीं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, वन। ये हो सकता है कि रोटेशन भी कर जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू हो जाएगा। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करते हैं। मूवेबिलिटी, कितना मूव कर सकता है। जैसे ये है उंगली, नीचे मूव कर सकता है लेकिन ऊपर तो मूव नहीं करेगा। ऐसे ऐसे कहाँ मूव कर सकता है, जैसे ये देखिए, ये ऐसे हम मूव करेगा लेकिन इसको हम उल्टा थोड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, ये उल्टा नहीं कर सकते हैं। ऐसे मूव कर जाएगा लेकिन उल्टा करेगा क्या, नहीं। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस साइड में है, वन है। तो इसी तरह से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बीम का कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बीम में ठीक ना, तीन चार चीजें हैं ठीक ना। अब बीम यदि हम पढ़ते हैं तो बीम में एक तो टाइप ऑफ बीम है, टाइप ऑफ बीम है, और दूसरा है टाइप ऑफ सपोर्ट है, और टाइप ऑफ लोड है। ये तीनों चीज थोड़ा सा हम बताएंगे। टाइप ऑफ बीम सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बीम जो होता है उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। घरों में कील ठोकते हैं ना, तो वो भी अपने आप में एक एग्जांपल है। ओवर हैंगिंग बीम आप देखते होंगे ना इस तरह का, तो ये जो है आपका क्या है, कैंटिलीवर बीम। इसमें सिंगल नहीं, कई सारा लोड लगा सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद यही बीम जो है, कुछ यदि दो सपोर्ट कर दें हम यहाँ पर, सपोर्ट पे रख दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, लिखते भी जाते हैं ताकि आपको याद रहे, सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये है आपका क्या, कैंटिलीवर बीम। अच्छा, ये जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसी को सिंपली सपोर्ट ना करके हम दोनों साइड से फिक्स कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड बीम। अच्छा, ये जो रोल, ये जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम था, और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, रोलर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब इसके ऊपर लोड लगता है और ये जब बेंड होता है ना, तो ये आराम से इधर इस साइड मूव कर जाता है, और फिर जैसे लोड आप रिमूव करेंगे तो ये अपनी जगह पर चले जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, रोलर सपोर्टेड बीम। ठीक ना। और एक लास्ट आप देखेंगे तो ये जैसा, अब सपोर्ट जो है यहाँ पर, ये दो से काम नहीं चल रहा है, बड़ा बीम है, तो क्या करते हैं कि बीच में भी एक सपोर्ट लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सपोर्टेड बीम। ठीक है। और एक होता है कि हम इस तरह से सपोर्ट तो लगा रहे हैं ठीक ना, और एक सपोर्ट जो है यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। तो ये इधर नहीं लगाएंगे, इधर जो लोड लगेगा उसको इधर वाला बीम ही कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग, ठीक ना, क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा टाइप ऑफ बीम और टाइप ऑफ सपोर्ट, आपने दोनों देख लिया। टाइप ऑफ बीम में क्या क्या हो गया, कैंटिलीवर ठीक ना, फिक्स्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, रोलर सपोर्टेड बीम, और ये सपोर्ट भी हो गया ओवर हैंगिंग बीम। सपोर्ट में आप देखेंगे फिक्स्ड सपोर्ट, एक हिंज सपोर्ट भी होता है ठीक ना। ये जैसे एक तरफ आपका फिक्स्ड हो गया और दूसरे तरफ जो है आपका हिंज सपोर्ट होगा ठीक ना, हिंज सपोर्ट बीम ठीक ना, हिंज्ड। अब जो है टाइप ऑफ लोड भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है। इसी में यदि कंटिन्यूसली लोड लग रहा है ठीक है ना, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है। इसी में एक और लोड होता है, जैसे यहाँ पर जीरो लग रहा है लेकिन यहाँ बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर जीरो लोड और यहाँ पर डब्ल्यू लोड, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंगुलर लोड या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो मेन तीन तरह का लोड होता है, एक पॉइंट लोड, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये जब एसएफडी बीएमडी, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद एक और होता है मोमेंट या कपल जो है यहाँ लगता है, मोमेंट या कपल ठीक है।
और इन सब का पूरा जो इक्विवेलेंसी का सिस्टम है, ये सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं, और सपोर्ट रिएक्शन निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो कर दीजिए, टोटल वर्टिकल फोर्स जीरो कर दीजिए, और टोटल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट आप ले करके जीरो कर दीजिए, तो जितने भी अननोन हैं वो सब निकल करके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको निकालना हो तो ये क्या हो गया, ए और बी, तो यहाँ क्या निकालेंगे आप, देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं, आर ए प्लस आर बी, ये ऊपर लग रहा होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डब्लू लग रहा है और एल लेंथ है, तो डब्लू इंटू एल, ये इक्वेशन वन हो जाएगा। दूसरा टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू दिस लेंथ, क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एल इक्वल टू टोटल लोड डब्लू एल इंटू, और एवरेज लोड लेते हैं कहाँ पर, सी जी के पास, एल बाई टू, ये आर बी यहाँ से निकल गया, आपका डब्ल्यू एल बाई टू निकल जाएगा कि नहीं, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो आर बी डब्ल्यू एल बाई टू, तो आर ए बी क्या निकल जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू। तो इस तरह से ये शॉर्ट में हमने बताया, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से हम लोग निकालते हैं, और इसके ऊपर शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बताएंगे तो उस समय कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हम कवर कर सकते हैं कवर करने की कोशिश करेंगे। आज यहीं तक, हम लोग फिर किसी नए वीडियो में अर्थात नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कपल पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कपल पढ़ेंगे, मोमेंट और कपल के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर जो 10 होगा हमारा, वह थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी कुछ उसमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, इसलिए उस लेक्चर को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में हमारे हर एक वीडियो को देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।